हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? कैसी चल रही है आप लोग की एग्जाम की तैयारी? जरूर से जरूर कमेंट करके बताएं। आज हम इस वीडियो में जेएसएससी जेई के एग्जाम से रिलेटेड बातें करने वाले हैं। जेएसएससी जेई का कट ऑफ कितना जाने वाला है, उसी के रिगार्डिंग हम इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, आप किस एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं वो जरूर से जरूर कमेंट करके बताएं, ताकि हम उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को कंटेंट डिलीवर कर पाए। ठीक है, तो वीडियो को जरूर जरूर लास्ट तक देखिएगा। जेएसएससी जेई का एग्जाम जो है काफी दिन हो गया, खत्म हो गया, उसका आंसर की भी आ चुका है, और काफी टाइम के बाद हम लोग आप लोगों के सामने वीडियो बना रहे हैं कि कट ऑफ कितना जाने वाला है। ठीक है, वीडियो बनाने से पहले हम इस एग्जाम का दो तीन फैक्ट है जो उस पर हम डिस्कस कर देते हैं, तब जाके हम कट ऑफ पे जाएंगे। ठीक है, और देखिये, ये कट ऑफ जो भी हम बताएंगे वो जरूरी नहीं है कि इसी के अकॉर्डिंग ही जाए, 20-30 नंबर का भी डिफरेंस हो सकता है। ठीक है, क्योंकि जिसने भी कट ऑफ बताया आप लोगों को, जिस हिसाब से आप एस्टिमेट किए हैं, उसे काफी अलग हो सकता है कट ऑफ। ठीक है, फिर भी हम कुछ प्रेडिक्ट कर देंगे। ठीक है, बहुत सारे मैसेजेस आए हैं कि कट ऑफ से रिलेटेड बातें करिए, तो कट ऑफ से पे हम बातें करने वाले हैं। देखिए, दो तीन फैक्टर क्या है, सब हम सिविल का अभी स्पेशली सिविल के लिए बात कर रहे हैं इसमें। ठीक है, देखिए क्या है कि पहले तो सिविल में वैकेंसी बहुत ज्यादा था, 1200 के करीब में वैकेंसी है सिविल इंजीनियरिंग में। ठीक है, पहला फैक्टर ये हो गया। दूसरा फैक्टर ये है कि इस एग्जाम में निगेटिव मार्किंग है, दो फैक्टर है। ठीक है, तीसरा फैक्टर ये है कि इसमें जनरल इंजीनियरिंग जो सिलेबस है वो ऐड हुआ है, मतलब ऐड क्या मतलब हुआ है, पहले से है, अभी अगला बार से तो हट भी जाएगा, तो वो है, तो उससे भी जो है काफी मार्क्स में कमी आ सकता है। ये सारा जो फैक्टर है, और एग्जाम जो है वो शिफ्ट वाइज हुआ है, तो ये बहुत सारा फैक्टर जो है कि मायने रख रहा है कि कट ऑफ कितना जा रहा है। ठीक है, देखिए बहुत सारा डाटा आ भी नहीं पाता है, किसी से अगर आप पोल भी करते हैं तो कोई गलत बता सकता है, या फिर कोई सही अपना मार्क्स नहीं बताता है, तो इस तरह का चीजें हो सकता है, बहुत कम लोग ही पोल में शामिल हो पाते हैं। फिर भी हम जो भी हमको लगता है, मेरे जो प्रेडिक्शन है उससे हम आप लोगों को बताने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले चीज तो आप जितना भी आपका मार्क्स आ रहा है, ठीक है, अगर आपका सिलेक्शन होना है तो वो तो होगा ही, अगर नहीं होना है तो नहीं होगा। कट ऑफ जानने के लिए मतलब इतना ज्यादा उत्सुकता उस एग्जाम में होना चाहिए जिसमें कि मेंस का तैयारी, मेंस जिसमें देना हो, जैसे एसएससी जेई हो गया, उसमें कट ऑफ बहुत मायने रख रहा है कि आपका कितना मार्क्स आ रहा है, हम मेंस के प्रिपरेशन के लिए जाए कि नहीं जाए, ये सारा चीज मायने रखता है। लेकिन जेएसएससी जेई में अब आपका एग्जाम ओवर हो चुका है, आप या तो जितना मार्क्स आपका हो रहा है आ रहा है, या तो सिलेक्शन होगा या फिर नहीं होगा, यही दोनों में से कोई चीज हो सकता है। अब इसमें उसमें आप कोई चेंजेस नहीं कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि उसमें मेंस होगा तो आप जाके दीजिएगा, तो ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। तो ठीक है, तो हम बहुत सारी चीजों पर डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले तो पेपर दो पेपर था जो इस एग्जाम में, दो पेपर था, पेपर वन और पेपर टू। पेपर वन में 120 क्वेश्चन, पेपर टू में 120 क्वेश्चन। ठीक है, अब देखिए 120 क्वेश्चन पेपर वन में आपका जनरल इंजीनियरिंग प्लस नॉन टेक था, जिसमें कि आपका जीके वगैरह जो भी था, और पेपर टू में आपका सिविल इंजीनियरिंग था। देखिए पेपर वन में अगर हम बात करें तो जनरल इंजीनियरिंग भी था और 120 क्वेश्चन का था, तो उसमें देखिए कोई भी एक एवरेज बंदा होगा, ठीक है, कोई भी अगर एवरेज बंदा होगा और पेपर का जो लेवल था उस हिसाब से अगर देखा जाए, तो कोई 120 क्वेश्चन में 50 से 55 क्वेश्चन श्योर कर पाएगा, 55 क्वेश्चन जो है वो अपना कर सकता है, मतलब जो जिसका जो तैयारी किया होगा, जो मॉडरेट लेवल में भी तैयारी किया होगा, कंटिन्यूअसली लगा होगा। ठीक है, बहुत ज्यादा 100% उठ नहीं, लेकिन जो 80% एफर्ट लगा अगर तैयारी किया होगा, ठीक ठाक से पढ़ा होगा, तो उसका 55 क्वेश्चन वो आराम से सोल्व कर सकता है। एक जगह हम 55 यहाँ पे क्वेश्चन लिख रहे हैं, अभी हम इस पहलू से देख रहे हैं, दूसरा पहलू पे भी बात करेंगे, जो पोल होगा जिससे लोगों का मार्क्स आया है उस पहलू पे भी बात करेंगे। तो 55 क्वेश्चन एक पेपर में आप बना सकते थे पेपर वन में, और पेपर टू जो सिविल इंजीनियरिंग जो कोर था उसमें आप किसी भी तरह 120 क्वेश्चन में 65 क्वेश्चन या फिर 60 क्वेश्चन तक आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए हम यहां पे 65 ले लेते हैं, ठीक है, 65 क्वेश्चन तक आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप ये 55 क्वेश्चन और 65 क्वेश्चन को जोड़ते हैं तो कितना होता है, 120 क्वेश्चन हो जाता है, मतलब 120 क्वेश्चन मतलब 360 मार्क्स, और 50% जो मार्क्स है, 50% मार्क्स आप ला सकते हैं। ये हम सब और सब जनरल का बात कर रहे हैं, अभी कैटेगरी में जैसे जैसे आएंगे उसमें बहुत ज्यादा वेरिएशन होगा और वेरिएशन देखने को मिल सकता है आगे में। ठीक है, ये हम सिर्फ और सिर्फ जनरल का बात कर रहे हैं, मतलब 50% मार्क्स जो जनरल में लाया होगा, 360 नंबर जो जनरल में लाया होगा, वो कहीं ना कहीं मतलब थोड़ा सा वो मतलब चांसेस है, थोड़ा सा नहीं काफी चांस है उसका होने का, मतलब 360 नंबर है, 120 क्वेश्चन जो है वो एक लाइन है, उस लाइन के अगर आप आगे क्रॉस किए हैं तो आपका काफी उम्मीद है कि आपका सिलेक्शन हो,
और आप इस मतलब इसमें आपका सिलेक्शन होने का काफी उम्मीद है। अब देखिए बात कर लेते हैं कैटेगरी का। देखिए हम क्या बोले, ये 55 और जो 65 का जो रेशियो लिए 120 क्वेश्चन का, ये हम जनरल के लिए लिए हैं, ठीक है। अब इसमें निगेटिव मार्किंग भी है तो थोड़ा बहुत का और भी कम हो सकता है, 10 नंबर और कम हो सकता है तो 350 तक जा सकता है। 350 एक आपका लाइन है, उसके ऊपर ही जाएगा जनरल का, 350 तक जाएगा जनरल का, इससे कम बहुत ही कम उम्मीद है कि 350 से कम जाए, ठीक है। ये हो गया। अब आते हैं हम कैटेगरी वाले मार्क्स का। कैटेगरी वाले में बहुत ज्यादा वेरिएशन भी हो सकता है, कैटेगरी वाला हो सकता है कि इससे 20-30 नंबर 40 नंबर भी डिफरेंस हो सकता है, 20-30 नंबर का भी डिफरेंस रह सकता है, ठीक है। हो सकता है 330 तक जाए, 45%, ये तो आपका 50% हो गया, 45% तक जिसका है, 45% तक जिसका है उसका हो सकता है, उम्मीद है कि कैटेगरी वाले में जाए, और जो एससी एसटी है उसका और कम जाएगा, ईडब्ल्यूएस का भी और कम जाएगा, ठीक है। लेकिन जनरल का जो मार्क्स है, जनरल का जो कट ऑफ है वो आपका 350 से 60 के ऊपर ही रहेगा, 350 से 60 से ऊपर कहीं ऊपर नहीं रहेगा वो लोग का मार्क्स, ठीक है। बहुत लोगों का मार्क्स 400 भी आएगा, लेकिन सीट चूंकि बहुत ज्यादा है, 1200 सीट है, हो सकता है 200 लड़का का जो मार्क्स है वो 400 तक भी गया हो, ऐसा कुछ मतलब ये नहीं है कि नहीं आ सकता है, 400 क्वेश्चन तक आ सकता है। जो जब से एग्जाम निकला है तब से कोई प्रिपरेशन कर रहा है और जाके अच्छे तरीका से एग्जाम दे रहा है तो उसका 400 मार्क्स आ सकता है, कोई इसमें बहुत बड़ा बात नहीं है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि 400 मार्क्स इसका आ रहा उसी का हो और 350 वाले 360 वाले का ना हो, ऐसा नहीं है, उनका भी होगा। तो देखिए अनरिजर्व कैटेगरी में, जनरल कैटेगरी में 350 से 60 के बीच में कट ऑफ जा सकता है, ठीक है। और अगर हम क्वेश्चन वाइज अभी हम जिस हिसाब से पेपर आया है और जिस हिसाब से मार्क्स आ सकता है उसके अकॉर्डिंग बोल रहे हैं, ठीक है। और कैटेगरी वाले में 20-30 नंबर आप घटा दीजिए, 330 340 330 से लेकर 350 तक में वेरिएशन हो सकता है, इतना में हो सकता है सिलेक्शन, ठीक है। देखिए 400 मार्क्स लाने वाले लड़के बहुत ही कम होंगे, लेकिन 330 से लेकर 360 नंबर लाने वाले मैक्सिमम उसी के बीच में है, और हो सकता है 2-2 4 नंबर से भी किसी का सिलेक्शन ना हो, ऐसा भी हो सकता है। देखिए कट ऑफ पूरा का पूरा अनप्रेडिक्टेबल है, हम कुछ बोल नहीं सकते हैं, एग्जाम में कुछ और भी हो सकता है, हो सकता है बहुत लोग निगेटिव कर दिए होंगे ज्यादा मारने के चक्कर में, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। जो अच्छा अच्छा स्टूडेंट है उनका भी कम आ सकता है, ठीक है। लेकिन जिस हिसाब से हम कट ऑफ बता रहे हैं उस हिसाब से हो सकता है, जा सकता है, इसमें और हम प्रकाश डालेंगे नेक्स्ट वीडियो में। एक पहलू और है इसका, जो पोल वाला पहलू है उस पर भी हम डिस्कशन करेंगे और उस हिसाब से भी हम आपको कट ऑफ बताने का कोशिश करेंगे, ठीक है। बस आप क्वेश्चन के हिसाब से मॉडरेट लेवल जिस तरफ से था उस तरह से अगर हम बात करें तो इतना तक, देखिए हम ये नहीं बोल रहे हैं कि हम कौन सा लड़का कितना दिया, हम खुद जान रहे हैं, लेकिन जिस तरह का पेपर था और जिस तरह का पोल वोल में भी थोड़ा बहुत पता चला है, ठीक है, उस तरह से अगर पता चले तो इतना कट ऑफ जा सकता है। कैटेगरी वाले एससी एसटी उसका बहुत ही कम जाएगा, हो सकता है उसका मिनिमम मार्क्स पे भी सिलेक्शन हो जाए जो उनका क्वालिफाइंग मार्क्स है एससी एसटी और कैटेगरी में बात करें, लेकिन जनरल का इतना जाएगा, कैटेगरी वाला का हो सकता है मिनिमम मार्क्स जितना का क्वालिफाई है उसी उसके अकॉर्डिंग 40% पे भी हो जाए, ठीक है, उस पे भी हो सकता है। तो बस इतना ही बोलेंगे। देखिए अब आप जितना भी स्कोर किए होंगे एग्जाम में या तो सिलेक्शन होगा या फिर नहीं होगा, लेकिन आप यहां पर रुकिए मत, आगे बढ़ते रहिए, और भी एग्जाम है और भी अपॉर्चुनिटी है जिसको कि आपको करना पड़ेगा। अब आने वाला बहुत सारे एग्जाम है जैसे कि एसएससी जेई, अब अगला टारगेट कहीं अभी फिर से एसएससी जेई हो गया, उसका भी कट ऑफ हम नेक्स्ट वीडियो में एसएससी जेई का कट ऑफ से रिलेटेड बातें करेंगे कि कितना पे आप मेंस का तैयारी करना चाहिए, ठीक है। और भी किस एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं आप जरूर से जरूर कमेंट करके बताएं, ठीक है। बस आपका जितना भी मार्क्स आ रहा है आप बैठे मत रहिए, फिर से आप लग जाइए नेक्स्ट एग्जाम के लिए, ठीक है, क्योंकि कोई भी वैकेंसी अगर झारखंड में भी आता है, ठीक है, तो उस पर भी काफी इफेक्ट पड़ेगा कि आपका तैयारी किस लेवल का है। और देखिए जो अभी जेपीएससी ने रिजल्ट निकाला है असिस्टेंट इंजीनियर का, उसका भी काफी इम्पैक्ट पड़ने वाला है इस पे, इस एग्जाम पे। देखिए जब फाइनल लिस्ट निकलेगा, जब आपका लिस्ट निकलेगा किस का सिलेक्शन हुआ, तो उसमें हो सकता है डेढ़ गुना रिजल्ट हो, डेढ़ गुना मतलब 1.5 टाइम्स बंदे को बुलाए जैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, तो हो सकता है जिनका जेपीएससी यही में हो गया है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने नहीं जाएंगे, लेकिन लिस्ट में नाम होगा उनका, लेकिन अगर वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने नहीं जाएंगे तभी जाके पीछे वालों का चांस बनेगा। डेढ़ गुना बुलाएंगे ना, तो डेढ़ गुना अगर बुलाते हैं, जैसे मान लीजिए 1200 सीट है, एग्जैक्ट डाटा नहीं मतलब यानी 1200 सीट है, तो हो सकता है 2000 कैंडिडेट को बुलाएं, 1800 कैंडिडेट को बुलाएं, तो उसमें जिसका जेपीएससी में हो गया वो अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने नहीं जाता है तो पीछे वाला का चांस बनता है, जो 1800 है उनमें चांस बनता है, ठीक है। तो बस यही फायदा होगा, लेकिन रिजल्ट में उनका नाम आएगा, उनका रोल नंबर आएगा रिजल्ट में, ठीक है,
लेकिन हो सकता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम में ना जाओ तब ना आए। तो बस वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है, तो नेक्स्ट वीडियो में और भी काफी चीजें हम डिस्कशन करेंगे आप लोग से, जैसे सीजेई के एग्जाम को भी लेकर करेंगे, एसएससीजेई पे भी डिस्कशन करेंगे, किस एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, कौन सा एग्जाम आने वाला है, ये सारे चीजों पे हम डिस्कशन करने वाले हैं। बस मेरा लास्ट तक यही मोटो रहता है कि अगर आप जितना भी आपका मार्क्स आ रहा है, चाहे आप एग्जाम दिए हैं चाहे नहीं दिए हैं, चाहे आप जिस भी लेवल का तैयारी है, बस आप अपना तैयारी कंटिन्यू रखिए, प्रैक्टिस करते रहिए, रिविजन करते रहिए, जो चीज में आप वीक है उसको इम्प्रूव करते रहिए, ठीक है। और भी आपके आप देखिए, मेहनत कभी भी बर्बाद नहीं होता है, मेहनत कभी भी खाली नहीं जाता है, कभी न कभी जब भी एग्जाम आएगा तो उसमें सिलेक्शन होगा, अगर आप तैयारी 100% कर चुके हुए होते हैं तो, ठीक है। बस इतना ही कहना चाहेंगे, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे।